रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो काफी समय वेट करने के बाद फाइनली यामाहा सर्विस सेंटर की तरफ से फोन आया एंड वो लोग बोल रहे हैं कि आपका रेडिएटर फैन आ चुका है तो आप आके लगवा लो। आप सोचे थे कि हम 8 बजे उठ जाएंगे और 10 बजे चले जाएंगे। 10 बजे अगर हम बाइक लगा देते तो मस्त अपना 2-3 बजे तक हमको बाइक मिल जाती, बट हम रात में क्यूएनए वाले वीडियो एडिट कर रहे थे तो लेट से सोने की वजह से लेट से उठे। और आज मेरे साथ जा रहा है फ्यूरी जो कि पीछे है, और बाइक अगर हम छोड़ते हैं तो हमको वही घर लेके आएगा। सो पड़ोस में कोई दोस्त होने का एक अलग ही फायदा है, समझ रहे हो। और जो मेरा ये रेडिएटर फैन है ना, ये काफ़ी समय पहले से ख़राब हो रखा है और 1.5-2 महीने हो रहेंगे, और इसको देखो मस्त चल रहा है बिना नंबर प्लेट का। चलो आगे आगे चलो, 390 लेके पीछे पीछे चलते हो यार, ऐसे कैसे होगा। सिंगल सिलेंडर का बाप लेके घूम रहे हो। सो ये वाले 390 हम चलाए हैं 15 अगस्त के दिन, क्या खतरनाक मज़ा आ रहा था। हम इसको हार्डली 130 तक गए थे, उससे ज़्यादा नहीं गए क्योंकि इसका अभी खुला नहीं है स्पीड सब। अभी नया नया बाइक लिया हुआ है और थोड़ा सा मतलब पुराना दिख रहा है मॉडी की वजह से, बट ये बाइक नहीं है अभी तक, इसका पूरा RPM भी अनलॉक नहीं हुआ है। और 390 सिंगल सिलेंडर में ना सबका बाप बोल सकते हो, मतलब भाई क्या पावर है इसमें। हाँ थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दिया गया है और पावर ड्रॉप भी मिलता है। अभी ये BS6 है तो इसमें पावर ड्रॉप तो मिलेगा ही, बट हम BS4 चलाए थे पिछले साल 390, भाई वो तो पगला गाड़ी पगला। एंड हमको एक और बात का बहुत ख़राब लग रहा है कि मेरा जो 15 अगस्त वाली वीडियोस था ना, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। देखो उस दिन हम सारा कुछ रिकॉर्ड करे थे, बट घर आते हैं जब कॉपी करने की बारी आती है तो पता चलता है कार्ड एरर हो गया भाई। हम उसको कोशिश किए थे रिस्टोर करने का बट वो हो नहीं पाया, तो उसको हम फॉर्मेट ही कर दिए और उसी की वजह से मेरा एक वीडियो डिले हो गया। और अगर वो वीडियो रहती तो हम सबसे पहले उसको डालते, क्योंकि वो वाली वीडियो में ना कंटेंट भर भर के था। तो अगर आप लोग GoPro यूज़ करते हो तो मेक श्योर करना कि कभी भी जो कार्ड है ना उसको फुल मत रखना, बोले तो हमेशा उसमें 1.5 घंटा 20 मिनट का रिकॉर्डिंग बाकी रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा खाली रखो। अगर फुल कर दोगे ना रिकॉर्ड करते करते तो एरर वाली इशू आ जाती है। ये चीज़ें हम 2 बार फेस किए हैं। तो ये रहा यामाहा सर्विस सेंटर। अरे अरे अरे, भीड़ नहीं लग रहा है, अच्छा मौका है। सर्विसिंग कराना है? हाँ लग जाएगा शायद, टाइम बता देगा उसी हिसाब से देख लेंगे। बाकी इसका रेडिएटर फैन चेंज होगा, ठीक है। ऑर्डर किया था ना। हमको एक एस्टिमेट व्हील बता दो, ठीक है, और कब गाड़ी मिलेगा वही बता दो। तो देखो मेरी बाइक अंदर जा चुकी है सर्विस के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा भी लोचा होने वाला था, वो बोल रहे थे कि 2 दिन के बाद आओ। अरे माँ, अरे बाप रे, सीट इतना गर्म है ना कि ड्यूक 390 द बीस्ट सिंगल सिलेंडर का बाप। सो मेरा बाइक हमको मिलेगा 5 बजे शायद से, अगर आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। कुछ भी हो भाई, बस काम हो जाना चाहिए मेरा, बाकी सब तो मज़े है। सो अभी हम लोग घर जाएंगे एंड बिना बाइक का रहते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है। अभी लगवा लेंगे, लगवाने ही जा रहे हैं, देख रहे हो ना। तो यही सीन है, मतलब विदाउट नंबर प्लेट चल रहे हो तो भाई पकड़ाओगे। और इसकी बाइक में है नहीं नंबर प्लेट पीछे में, बस आगे में है। अरे 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 अरे, पूरा भयंकर फोटो, जहाँ मर्जी वहाँ फोटो खींच रहे हैं। लगवाने जा रहे हैं रोस्पा टावर। आगे है, हाँ। अरे अभी रुको भाई, इधर देखो मामला लपेट लोगे तुम बढ़िया से। नहीं 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 जमा करना पड़ेगा, कंट्रोल जो दिखा रहा है ना, नहीं यही जमा करोगे तो खुद चल जाएगा नोटिस। मोबाइल को पकड़ लो, मोबाइल पकड़ लो, अब बोलो क्या करना है। उतर आया ना औकात पे, अभी करना क्या बताओ, पुलिस करेगा क्या करेगा, अभी मैनेज नहीं करेगा, वो तो बंद है।
अरे बंद है, कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, बच गए भाई बच गए। अरे तो देखो लाइसेंस नहीं होगा बोल के रोकता है, ठीक है, या फिर हीरो देख के भी रोकता है, हीरोगिरी। और रही बात की नंबर प्लेट नहीं था ना, हमको लगा ही था कि उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। देखो अभी नया नया रूल आया है ना, ये व्हाइट वाला पट्टा है ना, इसे अगर इस साइड गाड़ी खड़ा कर रहे हो ना, पार्क कर रहे हो, तो उसका ही फाइन कटेगा कैमरे के थ्रू। हम बोल रहे हैं कि पैसा वैसा घट गया होगा, सीधा बोल रहा मैनेज करना। मैनेज करना मतलब कि ना, बोल रहा था कि अभी कुछ दो रोकड़ा दो, दो बार निकलो, इसीलिए ना कैमरा बंद करने के लिए बोला। इसका बाइक का चलान अभी बच गया, 1500 रुपया कटने वाला था, नंबर प्लेट नहीं है उसका पीछे में, इसीलिए हम नंबर प्लेट लगा दिया। अभी कौन बार बार मतलब नंबर प्लेट के लिए 1500-1500 रुपया देते रहेगा? नंबर प्लेट अगर आप नहीं लगवा रहे हो, ऐसे ही चल रहे हो, वो इलीगल है। हाँ बट बिना नंबर प्लेट के गाड़ी का लुक जो है ना, वो काफ़ी सेक्सी हो जाती है, तो वो बात भी है। और इधर चलान वाला सीन हो जाता है। तो हम आ रहे हैं अपनी बाइक लेने एक दिन के बाद, और ये है अरगोड़ा चौक। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वैसा कुछ ज़्यादा काम था ही नहीं मेरा बाइक में, बस रेडिएटर फैन चेंज करना था, उसका पंखा और क्लच वायर और अपना जो सर्विसिंग होता है वो सब, मोबिल पल्टी वगैरह। देखते हैं अभी हमको निकलना पड़ेगा गुमला सीधे। और देखो आज हम फ्यूरी के पीछे बैठे हैं, बन तो गया होगा, इतना टाइम दिए हैं भाई। देखो क्लच मेरा स्मूथ हो गया है अभी, हाँ स्मूथ हो गया है ना, पहले से बहुत टाइट लगता था भाई। मज़ा आ रहा है बे चलाने, स्मूथ हो गया। आज का डेट का गाड़ी है, कल तो मेरा ज़्यादा कॉस्ट आया नहीं गाइस, इस बार 2313 रुपया कुछ आया है, और हमको लगा था कि थोड़ा ज़्यादा फटके पड़ेंगे, बट ज़्यादा वैसा मेरा बाइक में प्रॉब्लम था ही नहीं, बस एक मेजर काम था फ़ैन चेंज कराना, वो हो चुका है, वो वारंटी में ही था तो वो रिप्लेस हो गया, उसके पैसे हमको पे नहीं करने पड़े इस बार। और ये मेरा थर्ड टाइम है जब हम अपना रेडिएटर फ़ैन चेंज कराए हैं, फ्यूल इंजेक्टर भी मेरा क्लीन हुआ है, और एक क्लच वायर जो है ना वो भी हम चेंज कराए हैं, क्योंकि मेरा क्लच वायर पूरा घिस गया था और वो कभी भी टूट जाता। पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। काम करते ना, बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास। ये क्या बात करता है यार, वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। हट हट, मेरे को जाना नहीं है तुम्हारे साथ। हट, हट। लो